हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के बस नारायण चैनल राजकेशन में। नई शिक्षक भर्ती को लेकर स्पेशल अपडेट है इस वीडियो में। आप सभी को पता है और जैसा मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि लगातार आप डबल पैरेलल मोड पे चलेंगे तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपको सुखद देखने को मिलेगा, और ऐसा ही सभी अभ्यर्थी कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर, नई भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में भी अपील दायर की थी, और उसका ये पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि मजबूती से कोर्ट के जरिए जो सरकार लगातार सड़कों पर और लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसका कोई भी जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब ये हुआ है कि कोर्ट के जरिए अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं अपने शिक्षा का सदुपयोग करते हुए बहुत अच्छा तरीके से आगे बढ़े हैं अभ्यर्थी, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बात कही है कि जब 10% से ज़्यादा सीट खाली नहीं होनी चाहिए तो उस पर इतने ज़्यादा प्रतिशत में लगभग आप कहूँगा कि 50% के आसपास सीटें क्यों खाली हैं। जी हाँ, और क्या हुआ अगली सुनवाई को लेकर सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों बता दो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित दायर याचिका की पहली सुनवाई पूरी हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका ऑर्डर भी अपलोड किया गया है, उस ऑर्डर में नेक्स्ट डेट लगाई गई है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली डेट पर जो सुनवाई हुई कहीं ना कहीं बहुत बेहतर रही, और जीत की तरफ एक अच्छी शुरुआत है अभ्यर्थियों की। और हाईकोर्ट इलाहाबाद में 14 मार्च 2022 को चुपचाप तरीके से एक बेहतरीन याचिका नई भर्ती के लिए दायर किया गया, जिसकी ड्राफ्टिंग इतनी शानदार रही कि पहली डेट पर ही कोर्ट द्वारा मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि सरकार जवाब दे, जब प्रदेश में 2.5 लाख के आसपास सीटें रिक्त हैं, जबकि 10% से ज़्यादा सीटें नहीं रिक्त होनी चाहिए। RTI जो नियम है, राइट टू एजुकेशन, उसकी धारा 26 के अनुसार कुल सृजित पर टोटल नंबर ऑफ जो सीटें हैं वर्तमान में 5,80,084 पद हैं, उसके सापेक्ष 10% से अधिक सीटें रिक्त नहीं रखी जा सकती हैं। तो जो डाटा प्राप्त हुआ उसके हिसाब से लगभग 45% सीट खाली हैं। जी हाँ, 45% लगभग, मैंने बोला कि 50% के आसपास सीटें खाली होनी चाहिए, तो 45% सीटें खाली हैं। तो 10% से ज़्यादा RTE नियम, जो राइट टू एजुकेशन नियम है 2009 का, उसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि उसकी धारा 26 में कि 10% से ज़्यादा सीट जब नहीं खाली होनी चाहिए तो विभाग में 45% के आसपास सीटें क्यों खाली हैं। इस अवस्था में सरकार अपना पक्ष रखे कि बगैर शिक्षकों के आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे रहे हैं, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो इस संबंध में जो केस दाखिल किया गया था, रिट पिटीशन आपका 4695/2023, और उसमें आज जो है आप देखेंगे ऑर्डर की डेट तो 24/3/2023 तो ये मॉर्निंग में जो अपडेटेड की गई थी। इसमें हुआ क्या कि 14 तारीख को आराम से, ये बहुत अच्छी और एक बहुत अच्छा कदम है कि आप लगातार अपनी जनप्रतिनिधियों के जरिए भी मांग कर रहे हैं, वहीं 6800 अभ्यर्थी भी मांग अपनी कर रहे हैं, और नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कहने की एक बेहतर बात है ये। तो जो हियरिंग हुई है, फर्स्ट हियरिंग 21 मार्च को हुई और नेक्स्ट हियरिंग लगा दी गई है 2 मई को, और तब तक सरकार को जवाब दाखिल करने की बात कही गई है। जी हाँ, 2 मई 2023 तक जवाब देना है, और 2 मई की सुनवाई में जवाब सरकार देगी कि 10% से ज़्यादा जब सीटें वैकेंट नहीं होनी चाहिए राइट टू एजुकेशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके तहत, तो क्यों 10% से ज़्यादा, लगभग 45% के आसपास सीटें खाली हैं विभाग में। तो बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो दी जानी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन क्यों कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो कहने के बहुत अच्छा कदम है, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आप लोग धनरा जो आपका अनवरत है, 27 मार्च को सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो शेयर करिए, एक दूसरे तक बात पहुँचाइए कि मैक्सिमम जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है 27 मार्च को लखनऊ के इको गार्डन में आप सभी एकत्रित होइए, और नई शिक्षक भर्ती की मांग पुरजोर और मजबूत तरीके से रखिए। हम सभी आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।